आज हम आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड दिखाना बनाना सिखाएंगे। तो जिस तरह से कि मैंने पहले ये वायरिंग बनाई, अच्छा अगर आपको मुश्किल लगे तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से बनाया, ये एल को जो है ना मैंने लाइन से शो किया, और ये पहले इन तीनों बटन्स को हमने लाइन दे दी, और यहाँ पे एन को मैंने न्यूट्रल से शो किया, जिसे कि न्यूट्रल कहते हैं, सही है। और उसके बाद ये न्यूट्रल हमने तीनों को दे दिया, और उसके बाद इस बटन को ऑन करेंगे तो ये वाला सॉकेट ऑन होगा, सेकंड वाले को ऑन करेंगे तो ये वाला ऑन होगा, और ये थर्ड वाले को ऑन करेंगे तो ये वाला ऑन होगा। तो अभी मैंने इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए कुछ किया हुआ तैयार, तो मैं आपको वो बोर्ड दिखाता हूँ। और आइए हमारे साथ कंटिन्यू रखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो आप लाजमी करें, और बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी वक्त आने पर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये भी हेल्प करना किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों में अक्सर ही वायरिंग वगैरह करने में मुश्किल आते हैं, कुछ स्विच ख़राब हो जाते हैं। तो आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, आज हम बोर्ड बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से जैसे दीवार पे लगे तो आपको चाहिए कि पीछे से ब्रेकर ऑफ करके तो इसकी ये तारे ऐसे निकाल दें, जैसे ये इसके साथ लगे तो इस तरह से निकाल दें। तो ये निकालने के बाद फिर आप ईजीली ये काम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने वैसे आपकी सहूलत के लिए पहले से खोल के रखा होगा। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि इसको जिस तरह से ये लगा हुआ है, इस तरह से बटन को खोलें एक एक करके। ये काम जब भी करें कोशिश करें कि आप सेफ्टी का भी ख्याल रखें, और उसके अलावा काम जो है ना बिल्कुल एक्यूरेसी में आना चाहिए। ये देखिए, स्टॉप कर दो।